गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि सुबह के 4:30 हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और आज जो हम जाने वाले हैं वो आज हम जाने वाले हैं कि हम जाने वाले हैं हाँ राजघाट। और हमारी जो साइकिल है वो देखते हैं कहाँ खड़ी है। ये जो है हमारी साइकिल, इससे जाएंगे हम राजघाट। अच्छा चलो दोस्तों, आपको अब मैं सीधा गली के बाहर ही दिखाऊंगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों ये मेरी गली है, जैसा आप देख सकते हैं ये मेरी गली है। अभी कोई सोफे नहीं उठा, इस घर में सोफे उठ जाते हैं लोग, लेकिन आज कोई नहीं उठाया। अभी एक आंटी छत पर खड़ी थी, मुझे पागल समझ रही होंगी। सोसाइटी का गेट इसे खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। यहाँ देखिए रोड पे कितना सुनापन। यहाँ अलीगढ़ कचौड़ी वाले लगाते थे, मतलब कोरोना की वजह से अभी नहीं लगा रहे हैं। सुनी गलियाँ ये, इस पे तो मुझे बस एक गाना ही याद आ रहा है, सुनी पड़ गई सारी गलियाँ। तो दो चार दुकानें ही हैं जो खुली पड़ी, और अभी टाइम भी तो 4:30 का ही है, वही बात है। और दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही थी, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिला आज सुबह सुबह जब मैंने देखा मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बहुत ही अच्छा फील हुआ। और चलो भाई राजघाट चलते हैं, देखते क्या होता है। और मैं आपको बता दूँ, आपकी गलत फहमी ना हो आपको, ये देखो ये दूध की डेयरी है, ये भी बंद पड़ गया, ये भी सबसे पहले खुलती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हम राजघाट जा रहे हैं, और राजघाट आपको बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे गांधी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी आपको, और भी बहुत सारे वहाँ पे नायक हैं जो गांधी जी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उस तरह की आपको देखने की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। चलते हैं फिर। और मैं इस सफ़र में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक लड़का और है जो कि मुझे हीरागढ़ी मिलेगा यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर। आओ चलते हैं इस रोमांचक सफ़र में। और कोरोना की सेफ्टी के लिए मैं बता दूं, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए मैंने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगा के रखा, और सैनिटाइज़र मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है, सैनिटाइज़र अपनी जेब में। रोड भी देखना पड़ता है ना दोस्तों, घर जा फिर ऑन हो तो सैनिटाइज़र वगैरह जेब में रखा हुआ है, और अपना मास्क भी जेब में रखा हुआ है। जैसे कुछ होगा तो मैं उसको तुरंत अपने मुंह पर लगा लूँगा, जब मुझे लगेगा कि भीड़ चालू हो गई है और दिन निकल चुका है, आसपास भीड़ है, क्योंकि सेफ्टी भी देखनी है और आप लोगों का इन्जॉयमेंट भी देखना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप जो घर पर लोग बैठे हताश हैं, सोच रहे हम कहीं बाहर नहीं जा पाते, मन नहीं लग रहा, तो उनके लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं और पूरी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं, ठीक है। हम भी अपनी भी ऐसी नहीं है कि जैसा मन में आए वैसा कर रहे हैं। तो ठीक है, दूसरा बंदा पीरागढ़ी मिलेगा, देखते हैं कुछ रास्ते में इंटरेस्टिंग मिलता है, वरना तो हम सीधा पीरागढ़ी मिलेंगे अब आपको, ठीक है बाय। मेरा भी एक साइड वीडियो बनाने का मन कर रहा, तो मैं भी एक गाना गाता हूँ, बहुत चलता है ना रील्स पे। वक्त ने किया हम पे कैसा सितम, तुम भी बेजार हो बर्बाद हैं हम, जाने किस राह पर ले चली जिंदगी। आगे मैं नहीं आता मुझे, और आप मेरी आवाज़ को नंबर दीजिए 10 में से, देखता हूँ कितने नंबर देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मुझे समझ में आई इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें हवा। भाई जा रहा हूँ दूर कहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे दोस्त थे,
और ये मेरे एक दोस्त थे जो कि थ्री नॉनसेंस की वीडियो में आपने इनको देखा होगा, नहीं देखा तो अभी जाके देख लेना। पहले तो मुझे लगा मेरे को कोई चमका रहा सवेरे सवेरे, लेकिन कोई चमका नहीं रहा था, ये हमारे दोस्त ही थे। उनका नाम है आसिफ मियाँ, बहुत ही नेक दिल इंसान है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। Oh my God! एक लाइक इन बातों के लिए। और ये जो है बहुत ही हमारे इधर का सबसे बदबूदार नाला है, कभी आओ इधर एक आध कुंटल खुशबू सूंघने आप टाइम निकाल के, टाइम निकालो थोड़ा सा, आओ कभी, लेकिन आना लॉकडाउन के बाद। सारे गामा पादा नीसा, हर बार नीसा क्यों पाती है, इसका कोई उत्तर हो अगर आपके पास तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। देखा, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। ये सब मंडी जा रहा है सब्जी लेने सुबह सुबह, ये साला छुट्टी पे है। चांदी चांदी, ये तो कपड़ा धारे दूसरा, हमको तो धोखा होगा। ज्ञान है आकाश है, बोला ही नहीं, गुस्सा है, नाराज है। आओ कभी हवेली पे बताते हैं। तो इन सोसाइटियों में अगर आप जाएंगे तो इसमें भी आपको एक दर्द भरी कहानी छुपी हुई है, एक नहीं मतलब लाखों कहानियां मिलेंगी छुपी हुई। गाड़ी साफ करने वालों के अलग और नौकरों के अलग, अखबार डालने वालों के अलग, दूध बेचने वालों के अलग, इन सब की अपनी अपनी एक अलग अलग इंडिविजुअल स्टोरी है। मतलब काम करना नहीं चाहते फिर भी काम करते हैं, उनकी शक्लें बताती हैं ऐसा काम। अरे देखिए, ये है हमारा देश, उन्नति कर रहा है। ये नाइट की ड्यूटी में तो साला आधे से ज़्यादा लोग सोते हैं, सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनको क्या पता, हम ब्लॉग वाला आए हैं, उनको बना लिया है। हम चाहते हैं एक बार इनका मालिक भी ये ब्लॉग देखे और फिर कमेंट करें। हम दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ हम कहाँ पहुँच गए हैं, आपको पल पल की खबर देते हुए हमारे श्रोता। इनको एक इनको देखो, साला भेड़िया जैसी आँख, हमको डरा रहा है सुबह सुबह रे, उसकी भाषा अनोखी है। ये देखिए, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं पीरागढ़ी फ्लाई ओवर, सॉरी पीरागढ़ी गोल चक्कर। अभी तो देश को संभालना बहुत ज़रूरी है, इतनी सारी मौतें हो रही हैं। मैं तो कहूँगा दोस्तों आप अपने घर पे ही रहिए, और अगर जाना कहीं मन करता तो मॉर्निंग में निकलिए, मॉर्निंग में देखिए कुछ नहीं है, साफ है एकदम, सफा चट। और मास्क हमेशा अपने साथ रखिए, जहाँ आपको दिखता है भीड़ है पहन लीजिए। सवेरे मास्क ना पहनने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, सुबह सुबह ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए अपना आराम से ऑक्सीजन लीजिए। वैसे भी देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और ये जो जहरीली गैस 5G 4G, ये मुझे पता नहीं, इसका तो प्रैक्टिकल ही करूँगा मैं आज, उसके बाद ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खतरा उठाने के लिए तैयार है, बाकी जो होगा आपको पता चल ही जाएगा एक दो दिन में। ब्लॉग बन गया और आ गया तो समझ लो सब सही है, वरना तो राम जाने। ये जो रोड है इसको कहते हैं आउटर रिंग रोड। आप इस रोड से अगर सीधे जाएंगे सीधे 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 तो आप दिल्ली से बाहर निकल जाएंगे। ये सब सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर सब्जी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर इधर जाते हैं तो आपकी हजारपुर मंडी पड़ती है, और पीछे जाएंगे तो आपकी एक सस्ती मंडी है, उसका मुझको नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा कभी फिर टाइम निकाल के, आज ज़्यादा बिजी हूँ। चल देखो दोस्तों पेट्रोल पंप का क्या हाल है, आपको पूरी पूरी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है, ये देख लीजिए आप रोड, आपको रोड समझ में आ जाएंगे।
रोहतक रोड, पंजाबी बाग, मंगोलपुरी। ये देखो पुलिस की चुपसी गाड़ी है, वहाँ डर है ये जो मुझे चमका ना दे, लेकिन फिर भी मैं खतरा उठाऊंगा। लेकिन ये क्या गाड़ी गाड़ी खड़ी है, बंदे गायब। यही है हमारे देश का कानून, यही है कठोरता इस कोरोना काल में भी। चलिए कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, वो होते तो हम नहीं होते फिर यहाँ। देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। अभी तो ये सफ़र शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। भैया पिंटू सेठ वहाँ खड़े होंगे, गाली दे रहे होंगे हमको, देखते हैं क्या होता है। रेड लाइट हो रही है, रेड लाइट को नियमों का पालन करते हुए। ये है मेन रोड वीरागढ़ी का, रोहतक रोड है ये, देख सकते हैं आप चारों ओर। अब ये रेड लाइट कब बंद होगी, हम जाएंगे हरी हो जाए बत्ती, हरी हो जा, हो जा, हो जा, एक शून्य। चलिए लेकिन ये गाड़ी वाले साले मानेंगे, रेड बत्ती तोड़े बिना नहीं मानेंगे हमें लगता है, इसलिए हम थोड़ा अपना हिसाब से निकलेंगे, देख के जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि ये कोई हमें उड़ाएगा नहीं। ये अच्छे लोग हैं, ये रुक गए, एक बुरा इंसान भी था वो तो साला भाग गया। अब यहाँ भी जो है हमें थोड़ा देख के निकलना पड़ेगा, गाड़ियाँ आ रही हैं और हमारी साइकिल है, हवाई जहाज नहीं है कि निकल जाएगी ऐसे, देखते हैं। देखिए दोस्तों देश की बुरी हालत, डर भी लग रहा है, भी लग रहा है। देखिए क्या होता है, आ जाइए। ये ब्रेक बहुत खतरनाक लगाए। हाय बोलिए दर्शकों को, हाय हाय, एक मिनट अब बोलिए दोबारा, तेज बोलिए, आवाज़ नहीं है गले में, है नहीं। नई साइकिल, साइकिल बदल लिए, टी शर्ट नहीं बदले, टी शर्ट नहीं बदले, बड़े बेशरम आदमी, साइकिल में खर्चा किया बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पान की दुकान खुल चुकी है, भाइयों को चाहिए वो यहाँ से ले जा सकते हैं, उनको चाहिए वो यहाँ के ले जाओ, क्योंकि इस देश में सब कुछ बंद हो सकता है, धूम्रपान तम्बाकू इत्यादि। ये नहीं बंद होगा, ये कभी होएगा ही नहीं, महंगा हो जाएगा, बंद नहीं होगा, इसकी जो मांग है वो बेलोचदार है। मेट्रो चालू हो गई है 4:30 बजे, ये 24 घंटे चालू रहती है, अब 5 बज रहे हैं, 6 बजे का टाइम तो मैंने भी सुना है, 5 बजे कब से चालू हो गई, और फिर 5 बजे चालू है तो क्या आधे घंटे में आती होगी एक मेट्रो। दर्शकों अभी हम बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें तो लगता था 6 बजे चालू होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी बेकार हो गई। हाँ दिल्ली में 5 बजे, हाँ रानी के घर 6 बजे उठती थी जाने के लिए। ओ दिल्ली का व्यू देख रहे हो आप, ये देखिए, ये देखिए कैमरे में देखिए, कैमरे की दुनिया अलग है। भाई साहब कल जो मेरे साथ धोखा हुआ ना, आप भी सुनिए दर्शकों, धोखा मेरे साथ, मेरे को भाई साहब अरुण जी ने जो है, अरुण टीमेकर जी, हाँ या लास्ट वीडियो में जिनको हमने कुबड़ा का भी नाम दिया है, एक तरह से उनका नाम हमने दिया कुबड़ा, तो अरुण कॉल्स मी इन यस्टरडे, आई एम राइट, यस्टरडे या तो अरुण टीमेकर कॉल मी यस्टरडे एंड इनवाइटिंग मी द दोपहर के खाने, क्या बोलते हैं, लंच। अरुण टीमेकर इनवाइट मी फॉर लंच इन अ चिकन पार्टी, ओके, आई एम नॉट ईटिंग नथिंग फ्रॉम डे, ओनली भूख कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट आई एम गिव माई सेल्फ टू, ओके चिकन पार्टी, फिर खाना दबा के। बट वैन ही कॉल मी, ही सेड कम विद मी एंड आई एम गोइंग विद हर,
not her, nee, him. I am going with him, but when we go home there, friend, and then after I realize the party, I am waiting, chicken lene gaya, and after dhoya, khaya, banaya, I don't know what happened, but the party was delay, so kati dekh lo aap, the party was very delay, and सॉरी हम इसको कट करवा देंगे गाली कट करवा देंगे तो भूख बढ़ती रही औकात पे आ गया हम अपनी भूख बढ़ती रही और भाई साहब दोपहर का जो खाना बोल के लेके गए थे ना भाई साहब और रात का खाना होगा शाम को 6 बजे मेरे को हाथ में आया फिर लेकिन तेरे भाई ने टूटन जो तोड़ी ना बंदे कह रहे कैसे खा रहा है एक बार चावल चटका दिए उनके आधे नहीं ख़त्म चावल और चिकन फिर मैंने दोबारा चटका दिया मैंने कहा तेजी ओहो पिल्लों की फौज आ जाओ आतंकवादी आ जाओ सबकी वीडियो बना के दे दूंगा केजरीवाल को अभी आ जाएगा राशन अगले हफ्ते का राशन आ जाएगा तुम्हारा देखो मान तो नहीं रहे जानवर सलाह कुत्तों को लगता है दूसरे कुत्तों से दिक्कत है हाँ कुत्तों को कुत्तों से ही दिक्कत होने लग गई अब तो हमको हमारी मम्मी बोलते तो कुत्ता है लेकिन हमसे कोई कुत्ता बात नहीं करता सही से सीधा साला भौंकने लग जाता है लताड़ दिया सलाह हम उनको हीरो बनाने के लिए उनका वीडियो निकाल रहे हैं वो साला मानता ही नहीं हमको लताड़ दिया अपने उससे एरिया से ये देखिए दर्शकों पश्चिम बिहार ईस्ट हाँ तो पिंटू जी एक सवाल हमारे मन में ये था कि दर्शक हमारे पूछ रहे थे वैसे पूछा तो किसी ने नहीं लेकिन दर्शक हमारे पूछ रहे थे कि अचानक से ऐसे क्या हुआ कि आप अच्छा खासा ब्लॉग चैनल दोबारा मतलब आपने जो है छोड़ दिया उसके पीछे क्या वजह है ट्रक के बाद बोलिए समस्या अच्छा और कुछ आपके दिमाग में आता हो और हम अपना रास्ता बटा अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अब जैसे पिंटू जी ने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ दर्शकों कि एक तो हमें बड़ी बुरी लगी आपकी ये बात कि आपने 800 के बाद सीधा हमें 200 पे लेकर आ गए हमारे अंदर थोड़ी हीन भावना आई हम सवेरे उठ के इतनी दूर जा के इतना सब करके जान जोखिम करके कुबड़े को लेके और हाईवे से कुबड़ा गिरता हुआ और हमारा तो घुटना भी छिल गया था पिछली बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर में भी गहरी चोट आई थी लेकिन हम किसी कारणवश किसी प्रेत आत्मा या किसी महान शक्ति की वजह से बच गए थे लेकिन अब फिर हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम वीडियो बनाए लेकिन हमें जब ना हमारे वीडियो में व्यू देखे तो हमारे अंदर बहुत घोर निराशा आई कि घर में बैठा दर्शक व्यूज़ भी नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा हमें थोड़ा हीन भावना आई और दूसरा कारण जो है वो सबसे बड़ा ये है कि हम जो थोड़ा है बिजी हो गए थे सोशल वर्क में हमने बहुत सोशल वर्क किया है इन दिनों मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलते हैं इसलिए ताकि हमें देख के आगे वाला भी करे तो हाँ प्रेरित हो क्योंकि अच्छा काम ऐसा ही है अगर आप करेंगे दूसरा करेगा आपको देख के जैसे बुरा काम भी होता है एक आदमी बुरा काम करता है तो दूसरा आदमी भी उसको देख के फटाफट कहता है चल ऐसे ऐसे कर लेते लेकिन अच्छे काम के लिए भी कभी कभी आपको ऐसा करना चाहिए तो ये बात है और तीसरी बात ये कि हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इन सब चीज़ों की वजह से लेकिन अब थोड़ा मौका लगा थोड़ा दस्तूर हुआ और अभी लोगों में हमने थोड़ा वो देखा कि लोग घर में बैठे बैठे कितना परेशान हो रहे हैं केरा लेटर हमारी आवाज़ दबा देते हैं तो मैं कहता था लोग कितने परेशान हो गए घर में बैठे बैठे और बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने ब्लॉग से दिखाएं मैं अपनी गंदी शक्ल दिखा रहा हूँ ना ये सब बोलते हुए चलो देखो ये कितनी अच्छी दुनिया है
जिसकी हम पहले वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब बंद हो जाते घरों में तो वैल्यू करने लगते हैं। उन वक्तों को मिस करने लगते हैं। हाँ, रोज नौकरी चौकरी होती थी। हाँ, नौकरी और छोकरी, हम इसको सही करते हैं, नौकरी और छोकरी। तो छोकरी लोगों से हम कहना चाहेंगे, इन सुंदर से मुहासे के लिए एक लाइक करें, और आपको पसंद आए तो इनकी फ़ोटो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ये डांसिंग कार तो नहीं घड़ी? नहीं 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 नहीं, डांसिंग कार नहीं है। चल, डांसिंग कार भी सब बंद होती। अच्छा अच्छा, ये गड्ढे कभी नहीं भर सकते। ये गड्ढे हमें इस सरकार की व्यवस्था दिखाती है, जिस तरीके से इस देश का हाल है कि ये देखिए चारों तरफ एकदम साफ रोड है, मतलब इतने सारे अच्छे इंसान हैं, लेकिन जगह जगह गड्ढे भी हैं। देखिए बुरे इंसान जो लोगों को हमेशा नीचे गिराने के लिए लगे रहते हैं। ये रोड इसी चीज़ का प्रतीक है। कैसे लगा आपको हमारा भाषण, हमारा एग्जाम्पल देख के आपके कहीं अश्रु तो नहीं टपकने लगे? अच्छा, खतरा लेने का मन करता है, लेकिन सॉरी गाली कट कर देना। सॉरी दोस्तों, अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा, लेकिन डर लग रहा है, सही बताएं तो आपको। और जैसे मैं सोच रहा हूँ चैनल का नाम चेंज करने के लिए, तो दो भाई व्लॉग वाले, हाउ डू यू फील अबाउट दिस नेम? सर, यू यूनिक नेम, आई थिंक इट्स चोरी फ्रॉम एनीथिंग। यू लिसन सम टाइम फ्रॉम एनीवेयर? आई थिंक दो भाई पनीर वाले, बट इट्स नॉट पनीर वाले, साइकिल वाले, ये दो भाई व्लॉग वाले। अगर आपको ये नाम कुछ समझ में आए तो एक बार कमेंट करके बताना, हम अपने उसका जो है नाम ही रख देंगे, दो भाई व्लॉग वाले। ये देखो दोस्तों, हमारे देश की दुर्दशा, महिलाएं सुबह सुबह काम पे, और काम भी आप देख सकते हो क्या काम है, क्या करें, एक कड़वा सच है। एक तरफ वो लोग हैं जो सवेरे साइकिल से घूमने जाते हैं, दूसरी तरफ ये दो वक्त का खाने के लिए इतना मेहनत करती हैं। एक लाख तो इन लोगों के लिए भी बनता है। ठीक है दोस्तों, ये गंभीरता का विषय है, हमारे समाज का सच्चा कड़वा, हमारे समाज का कड़वा सच है ये। मेरे शब्द इधर उधर बहुत बिखर रहे हैं, आप उसके लिए माफ़ी कर देना, बस फीलिंग समझना। ये रोहतक रोड है जो कि पूरा ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। ये पहाड़गंज एरिया, आप ध्यान से देख लो इसको, यहाँ पे आपको ओयो, ये कपल फ्रेंडली एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे ओयो ज़्यादा मिलेंगे आपको। अभी आपको बोर्ड नहीं दिख रहे लॉकडाउन की वजह से, वरना ओयो मिलते हैं यहाँ पे, कपल फ्रेंडली एरिया। अभी तेरी थोड़ी स्पीड आ गई होगी ना। अच्छा, इस दुर्घटना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अपनी जान दोनों को बचा करेंगे आ रहा है, देखिए कदर आ रहे तेरे कारे कारे में फोन नहीं रखूँगा। रेस का बोलिए डायलॉग दोस्तों। ये बहुत ही घटिया वाक्य जो हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे साथ ये हुआ कि दो खचरे आ रहे थे, अभी भी मुझे डर लग रहा है, दो खचरे थे, वो हमारा फ़ोन टपाने वाले थे, तभी मेरे भाई ने मेरे को बचा लिया। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस दिल्ली की सड़कों पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका एरिया जो है पहाड़गंज है, जाकिर हुसैन कॉलेज के पास। बहुत ही घटिया घटिया किस्म के लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे तो हैं और घटिया घटिया लोग भी हैं दुनिया में। तो बच के रहिए, सतर्क रहिए, सावधान सावधान, इंडिया इंडिया फाइट। हम पहुँच चुके हैं राजघाट, लगभग हम राजघाट पहुँच चुके हैं भाई। बड़ी आशा की उम्मीद थी,
देखो दोस्तों, हमें लगा था सिर्फ हम ही हैं, और भी लोग हैं साइकिल चलाने वाले। राजघाट हो रहा दोस्तों, ये देखो राजघाट में आपको तसल्ली से दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं बच जाऊँ। उसमें क्या है कारों का? दोस्तों अब जो हम करने वाले हैं वो खतरों से खाली नहीं है। आपको देखो हम पुलिस वालों से पंगे लेते हुए आपको वीडियो में ब्लॉग दिखाना चाहेंगे। राजघाट आ चुका है, देखते हैं चलो क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। ये है वीर भूमि, फाइनली जो है हम पहुंच चुके हैं। और ये जो है मुख्य द्वार नहीं है, मुख्य द्वार पे पुलिस खड़ी है, वरना हम आपको दिखाते हैं। जल्दी आ गए चिरकुट। कैसा लग रहा है आपको आज का एक्सपीरियंस? कैसा आज का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था, बहुत। मेरे को पहले तो थोड़ा डर लग रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन रोहतक रोड ही लंबा था, उसके बाद तो हमें कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। लंबा रोहतक ही रोड होता है, वो क्रॉस करके आप आते दिल्ली क्रॉस, सुल्तानपुरी और अमन गढ़। ये देखो आपको शायद वीर लिखा हुआ सही से नहीं दिख रहा, पीछे कैमरे से दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है? और चलो फिर मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा।